आपके राइडर में ऐसा कोई स्क्रैच आ जाता तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको एक नया वीडियो में। तो क्या हुआ कि कल मैंने अपने भाई को एक गाड़ी दिया था चलाने के लिए, तो आप देख सकते हैं कल वो चलाया और कहीं ना कहीं वो ठोक दिया या फिर गिराया, मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच इसको आ गया, यहाँ पे एक स्क्रैच है, देखिए जो यहाँ पे जो रंग है तो रंग इसका थोड़ा इसको यहाँ पे उठ गया है और यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच आया है और ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा स्क्रैच आया है, आप देख सकते हैं। तो पता नहीं वो कल क्या किया, कैसे वो गाड़ी चला रहा था और कहाँ पे वो ठोका या फिर कहीं पे गिराया, मुझे पता नहीं। तो कल ये चीज़ हो गया और एक जगह में स्क्रैच आया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ पे स्क्रैच आया। तो जो ये हैंडल है तो हैंडल के ठीक इधर पे एक स्क्रैच है, आप देख सकते हैं। तो और हैंडल के इधर एक स्क्रैच ये आया है, छोटा सा स्क्रैच आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा और जूम करूँगा, हाँ फोकस हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा सा स्क्रैच है वो आप देख सकते हैं। तो ये स्क्रैच कल मेरे भाई ने लगाया, तो दोनों जगह स्क्रैच है और बाकी जो पूरा गाड़ी है तो वहाँ पे कहीं भी स्क्रैच नहीं है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मुझे देख रहा है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है और साइड में भी ठीक है सारा कुछ और यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ छोटे नहीं आई है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कुछ एक्सीडेंट या फिर गिरा नहीं होगा तो इसलिए ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है और तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये स्क्रैच आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ यही ज़्यादा स्क्रैच जो मुझे लग रहा है और दूर से भी ये दिख रहा है कि वहाँ पे छोटा सा एक काला धब्बा वहाँ पे लग गया है। तो सवाल जो है, आपके राइडर में ऐसा कोई स्क्रैच आ जाता तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए आप तीन चीज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप यहाँ पे थोड़ा जो पेंट कर सकते हैं येलो, तो पेंट आप करके इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं तो ये पूरा एक जैसा हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, दूर से सेम ही लगेगा। तो एक पहला सोल्यूशन आप पेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज जो आप कर सकते हैं, आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जा सकते हैं, उनको बोलिए या सर्विस सेंटर में जाके बोलिए कि आप जो स्क्रैच है वो ठीक कर दीजिए, वो शायद वो ठीक कर देंगे, थोड़ा पेंट वगैरह कर देंगे या फिर कुछ हो कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तीसरा जो चीज है आप कर सकते हैं, आप टीवीएस को जो अलग अलग पार्ट्स होता है वो आप बदल सकते हैं, जैसे कि ये पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा शोरूम में और ये भी पार्ट आपको अलग से मिल जाएगा, ये भी पार्ट आपको अलग से मिल जाएगा। तो सारा जो पार्ट्स है अलग अलग, तो अलग अलग प्राइस रेंज में आपको शोरूम में मिल जाएगा। तो मैं अगर चाहूँ तो इस पार्ट को मैं बदल सकता हूँ, 700-800 रुपये शायद मुझे पड़ेगा और मैं बदल सकता हूँ। और आप भी अगर चाहे तो आप भी अपना पार्ट कहीं पे अगर कोई धक्का हो गया हो, कहीं नुकसान हो गया हो, डैमेज हो गया हो, तो आप सभी अपने पार्ट को बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एक वीडियो जो मुझे लगा थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि स्क्रैच लग जाता है अगर ध्यान से आप गाड़ी नहीं चलाते हो या फिर आप कहीं पर गिरा देते हो तभी, और अगर स्क्रैच लग जाता है तो तीन चीज़ों से आप अपना स्क्रैच मिटा सकते हो या फिर आपका स्क्रैच दूर कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपके इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट पर ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक्सप्लोरर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।